तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन को कि कुकीज क्या होता है तो so बेसिकली जो हमारा यूनिट टू है चैप्टर नंबर टू इन इंटरप्राइज जावा सेक्शन तो उसमें से हमने ये पॉइंट कवर किया है सो so इसके रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट होगी या वीडियोस जो भी है आपको जो आई बटन दिख रहा होगा उसके ऊपर मिल जाएगी या एंड ऑफ दूवर सेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो कि तीनों जगह पे आपको यहाँ पे जो इस इस जो भी आ, सेशन चालू है उसके रिगार्डिंग प्ले लिस्ट और बाकी के वीडियोस मिल जाएंगे ये तो स्टार्ट करते सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कुकी आपको किसी को आइडिया है क्या है कुकीज या क्या हो सकता है कि कोई आइडिया होगी तो आप बता सकते हो शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अदरवाइज हम स्टार्ट कर देते सो फर्स्ट द कूकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट परसिस्टेंट बिटवीन अ मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट ओके जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लाइंट रिक्वेस्ट है उनके अकॉर्डिंगली जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी बेसिक इंफॉर्मेशन बोल सकते या स्मॉल इन्फॉर्मेशन बोल सकते स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम इन अ फॉर्म ऑफ एक्स स्टोर करने वाले उसको हम क्या बोलेंगे कुकीज ओके okay, जो आपके ईच एंड एवरी जो भी कनेक्टिविटी परपज के लिए इन द सेंस जो ब्राउजर टू सर्वर जो डेटा हम पास करेंगे स्मॉल पीस ऑफ डेटा पास करेंगे उसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं ओके कुकीज़ इन देंस एच टी टी पी जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे एचटीटीपी एच पी डज नॉट मेंटेन अ परसिस्टेंट कनेक्शन परमानेंट कनेक्शन हमारे एच टी पी के अंदर नहीं है सो so, जो परसिस्टेंट कनेक्शन के लिए जो परसिस्टेंट डेटा हमें लगेगा दैट इज एन कुकीज कि टी टी पी हम यूज़ करें बट साइमटेनियसली जो डेटा है हमें परसिस्टेंट टाइम के लिए यहाँ पे रखना है तो उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे कुकीज क्रिएट करेंगे देन द कुकीज हैज नेम अ सिंगल वैल्यू ऑप्शनल एट्रीब्यूट सच एज कमेंट पाथ डोमेन क्वालिफा क्वालिफायर्स मैक्सिमम एज एंड वर्जन नंबर की कुकीज के अंदर कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं एट्रीब्यूट हो सकते हैं जैसे कुकीज का नाम द नेम ऑफ द कुकीज वैल्यू ऑफ द कुकी ऑप्शनल एट्रीब्यूट ओके नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट उसके अंदर है कुछ कंपल्सरी एट्रीब्यूट है, है कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट है एंड डिफरेंट कामेंट्स पाथ डोमेन क्वालिफायर्स एंड एज की कितने टाइम तक हमें कुकीज को अल्लाव रखना है तो उसके वजह से जो मैक्मम एज जो ऑप्शन है यहाँ पर हम दे सकते हैं एंड लास्ट दैट इज अ वर्जन ऑफ वर्जन नंबर ओके वर्जन ऑफ अ कुकीज क्या है हम डिफाइन करेंगे वायर वर्जन नंबर दे नेक्स्ट द कुकीज आर स्मॉल टेक्स फाइज आर क्रिएटेड बाई अ सर्वर साइड प्रोग्राम सच एट द सवर एट रन एट अ वेब सर्वर की कब क्रिएट होगा कि जब हमारा जो रिक्वेस्ट है सर्वर साइड के ऊपर जाएगा एंड जो भी उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट होगा उस टाइम हमारा कुकीज़ यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कुकीज़ क्रिएट हो जाएगा ठीक है सो प्रोसेस क्या है उसको क्रिएट करने की वो भी हम हमारे नेक्स्ट इसमें देखेंगे बट नॉर्मली याद रखो कि जो कुकीज़ है वो क्रिएट कब होगा जब हम स्पेसिफिकली जो रिक्वेस्ट है हमारी सर्वर साइड के ऊपर पास ऑन करेंगे उस समय हमारा जो वेब सर्वर एग्जीक्यूट होगा तब हमारा कुकीज़ इन जैसे स्मॉल टेक्स्ट फाइल वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ऑन अ सर्वर साइड देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं हाउ कुकीज़ वर्क कि कुकीज किस तरह से वर्क करता है हमें पता है कि स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है सो so, उसके अंदर नेम ऑफ कुकीज वैल्यू ऑफ कुकीज एंड डिफरेंट फील्ड है तो किस तरह से वह करता है सो तो देखते डिफॉल्ट रिक्वेस्ट इज अ न्यू रिक्वेस्ट ओके जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट हम हमारे सर्वर के ऊपर पास ऑन करने वाले हर रिक्वेस्ट को ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट वी एज अ न्यू रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको कंसिडर करेंगे एंड इन कुकीज टेक्निक वी एड दूकीज विध अ रिस्पॉन्स फॉर्म सवलिय जो भी रिस्पॉन्स हमें आने वाला है सहूलियत से ओके जो भी रिक्वेस्ट जाएगी सहूलियत के पास अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स आता है कि जो मेकेनिज्म होगा हमारे सहूलियत का हमें पता है कि किसी को कोई इश्यू होगा हो या कोई एरर्स होगा या अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि सहूलियत किस तरह से वर्क होता है सो so, जो प्रीवियस वीडियो है कि हाउ टू वर्क अ सवलियत या सवोलियत जो कंसेप्ट हमने लिया था वो वीडियो एक और बार देख सकता है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या जो आई बटन है यहाँ पे उस वहाँ पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी देन नेक्स्ट सो कूकीज इज स्टोर अ कैचे ऑफ अ ब्राउजर सो यहाँ पे कुकीज क्या कर रहा है जो भी कैचे मेमोरी होगी हमारे ब्राउजर की ओके okay? जैसे कि हमने जो भी सर्च किया होगा सर्फ सर्फिंग किया होगा इंटरनेट के ऊपर या कोई फॉर्म फिलअप किया होगा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी होगी सब हम क्या करेंगे एज अ कुकीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव होने वाला है दे नेक्स्ट अफ्टर दैट इफ रिक्वेस्ट इज सेंड बाय यूजर कुकीज एड रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट कि जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फ्रॉम यूजर कि जो यूजर से जो भी रिक्वेस्ट सेंड होते हैं सर्वर के पास तो so उसी समय क्या होता है ऑटोमेटिकली जो कुकीज है यहाँ पे क्रिएट होने वाला है दस द वी रिकोग्नाइज द यूजर एज अ ओल्ड यूजर एंड उसके अकॉर्डिंगली जो कुकीज़ है यहाँ पे क्रिएट होता है ओके नॉर्मली देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग होता है फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड ब्राउज़र टू सर्वर ओके सेकेंड क्या हो रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू कुकीज़ एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सो so प्लस जो हमारा कुकीज़ होगा वो, वो यहाँ पे आने वाला है तो so, कुकीज़ क्यों हम यूज़ करते हैं बेसिकली टाइम सेविंग पर्पज़ के लिए या जो प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए भी बोल सकते हैं या मेंटेन करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स के डिफरेंट काइंड ऑफ इसके पीछे लॉजिक हो सकता है हमारे पास वो डिफरेंट यूजेस क्या है उसके अंदर हम वो कवर करेंगे सो so, कुकीज़ हम इस तरह से वर्क होता है, है कि नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि कुकीज कंटेन मच मोर देन अ सिंपल नेम एंड वैल्यू ओके सिंपल नेम एंड वैल्यू के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर कंसिडर करते जैसे कि सिक्स पैरामीटर्स ओके जो सिक्स नंबर्स ऑफ पैरामीटर है इसके अंदर हम पास कर, ऑन करते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज़ अ नेम ऑफ द कुकीज एक जो नॉर्मल नेम जो हम असाइन करने वाले आपके कुकीज के लिए ओ, हम cookies. Cookies, name, हम वो हम यहाँ पे जैसे नेम ऑफ द कुकीज सेकेंड पैरामीटर दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ कुकीज स्पेसिफिक रिस्पेक्ट टू नेम हम वहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू पास ऑन करेंगे दैट इज अ वैल्यू ऑफ द कुकीज देन थर्ड द एक्सपायरी डेट ऑफ द स्पेसिफिकली टाइम पे जब हमारा कुकीज़ क्रिएट हुआ है एंड स्पेसिफिक टाइम जब हमारा कुकीज एक्सपायर होगा कि दोनों भी टाइम डेट एंड टाइम वहां पर हम मैंशन करेंगे इन कुकीज नेक्स्ट द पात ऑफ द कुकीज इज वैलिड फॉर स्पेसिफिकली कौन से पाथ के लिए हमने कुकीज क्रिएट किया है कि जैसे कि जो भी कुकीज होगा हमें स्पेसिफिकली जो वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हुआ है या जो वेब पाथ के ऊपर क्रिएट हुआ है उसी पाथ के लिए वो कुकीज वैलिड है ऑर्धर जितने भी नंबर्स ऑफ वेबसाइट्स होंगे या वेब पाथ होंगे कि सभी के लिए एक क्या होगा कुकीज इन वैलिड होगा स्पेसिफिकली जो पाथ होगा उसके लिए एक कुकीज वैलिड होने वाला है देन नेक्स्ट द डोमेन द कुकीज इज वैलिड होगा ओके स्पेसिफिकली कौन से डोमेन के लिए ओके जैसा लाइक जो पाथ हमने बात किया था सिमिलर स्पेसिफिकली कौन से डोमेन के लिए हमारा कुकीज वैलिड होगा और हम यहाँ पे वो मैंशन करेंगे द डोमेन ऑफ कुकीज़ कि कौन से डोमेन के लिए हमारा कुकीज़ वैलिड है दे नेक्स्ट द नीड ऑफ अ सिक्योर कनेक्शन टू एग्जिस्ट टू यूज अ कूकीज़ ओके इफ़ हम कुकीज़ यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिकली उसके अंदर क्या क्या सिक्योरिटी मैकेनिज्म होनी चाहिए या सिक्योरिटी कनेक्शन हम यूज़ करना चाहिए तो क्या नीड है हमें कि वो भी हम नेक्स्ट जो यूजर्स है उसके अंदर और ब्रीफली कवर करेंगे कि क्या नीड है हमें कि जो सिक्योर कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे इन कुकीज़ एग्जिस्टिंग कुकीज़ है कि उसके अंदर कौन सा ऐसा डेटा प्रेजेंट होगा प्रेजेंट तो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ओके, तो ये भी चीज हम हमारे नेक्स्ट इसमें देखेंगे इन द सेंस यूजेस ऑफ एंड कुकीज या तो उससे पहले देखते कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज कौन कौन से टाइप्स के कुकीज है तो फर्स्टली जो हमारा है परमानेंट कुकीज एंड सेकेंड है सेशन और टेम्प्रेरी कुकीज तो परमानेंट कुकी देखते परमानेंट कुकीज के अंदर क्या दिया गया है द परमानेंट कुकीज और परसिस्टेंट कुकीज आर दो कुकीज दैट आर स्टोर यूजर कंप्यूटर आर नॉट डिलीटेड वेन अ ब्राउजर इज क्लोज कि स्पेसिफिकली कुकीज़ क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है कि जो हमारे जो सिस्टम हो गया या ब्राउजर होगा उसको क्लोज करने के बाद भी डिलीट नहीं होते या जो इनवैलिड या रिमूव नहीं होते दैट इज़ एंड परम कुकीज जब तक हम उसको फोर्सफुली डिलीट नहीं करते तब तक ये जो कुकीज है हमारे वेब ब्राउजर से या हमारे सिस्टम से डिलीट नहीं होने वाले परमानेंट कुकीज़ कैन बी रिटेन यूज़र प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर वेबसाइट टू दो यूज इन ऑल फ्यूचर ब्राउजिंग सेशन ओके सो सेकेंडरी जो हमारा परमानेंट कुकीज या परसिस्टेंट कुकी है उसका यूज क्या है फॉर अ फ्यूचर ब्राउजिंग सेशन की जैसा कि आप सभी ने गूगल सर्च इंजिन यूज़ किया होगा इन अ गूगल सर्च इंजिन आपको नॉर्मली जो सजेशन आते होके वो किसके बेस के ऊपर तो आते हैं जो आपने प्रीवियसली सर्च किया होगा जैसा like कि आप कोई भी लेटर टाइप करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी इंफॉर्मेशन आती है या जो भी सजेशन आते तो किसके बेस के ऊपर है जो प्रीवियसली जो आपने कीवर्ड सर्च किया या नॉर्मल एग्जाम्पल देखते हैं फॉर अ वेब फॉर्म कोई भी वेब फॉर्म आप फिलअप करते हो लाइक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा या स्पेसिफिकली कोई चीज़ के लिए एक आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस उसके रिगार्डिंगली जैसे कि जब भी आप कोई भी एड्रेस होगा नेम फील्ड होगी या मोबाइल नंबर होगा ओके या कॉन्टेक्ट डिटेल जो भी है सो जब भी आप उसको फिल करते हो तो प्रीवियसली जो आपके कुकीज़ के अकॉर्डिंगली जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा आपको वहाँ पे हाईलाइट हो जाता है ओके सो दैट इज एन परमानेंट कुकीज की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती है

यूट्यूब के ऊपर आपको कौन से बेस के ऊपर आपको वीडियो सजेशन आते हैं कि या जो भी एड्स होंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एड कि आपको किसके बेसिस के ऊपर आते कि अकॉर्डिंग टू यूअर कुकीज़ के कुकीज़ के अंदर आपके कौन सा टाइप का डेटा स्टोर है उसके अकॉर्डिंगली जो भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट अल्गोदम होंगे कि स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर वो अल्गोदम वहाँ पे अप्लाई होते हैं एंड देन आपको जो भी एड्स होंगे या जो सजेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आने वाले दैट इज एन एनालिसिस ऑफ ए सर्फिंग बिहेवियर जो भी नंबर्स ऑफ टाइप डेटा आप सर्व करते हो सर्च करते हो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट एनालिसिस डेटा आपको अपीयर हो जाता है देन नेक्स्ट द कुकीज कैन बी अल्सो यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज द नंबर ऑफ विजिटर द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर पेज एंड जनरली परफॉर्म देबसाइट सो जी कुकी हमें क्यों यूज होता है कि जैसे नंबर ऑफ विजिटर्स चेक करने के लिए एवरेज टाइम स्पेंड टाइम ओके तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका जो अभी हम सबके पास है दैट इज एंड आपके सामने यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम कि जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो तो so, इसके ऊपर भी जैसा कि like, वीडियो के लिए ओके okay? वीडियो के रिगार्डिंग एग्जाम्पल ये थे तो कितने नंबर ऑफ यूजर्स ने इस वीडियो को विजिट किया कितने एवरेज टाइम तक आप लोगों ने इस वीडियो को व्यू किया जैसे उसके अकॉर्डिंगली व्यूज जो भी है वो तो काउंट होने वाले एंड उसके अकॉर्डिंगली जो परफॉर्मेंस होगा इस वीडियो का वो डिसाइड होने वाला so, है सो ये नॉर्मल जो एग्जाम्पल है कुकीज का लाइव एग्जाम्पल जैसे कि आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो सो so, आपको ये एग्जाम्पल सुटेबली याद हो जाएगा देन नेक्स्ट दे आर यूजअली कॉन्फिगर टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर एंड प्रो लॉन्ग पीरियड ऑफ़ टाइम की स्पेसिफिकली पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूजर क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी कर सकता है या उसको क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम सजेशन दे सकते हैं जैसलाइक like इसके अंदर और एक एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसा कि की बोर्ड कि आपके हाथ में जो कीबोर्ड है जैसे कि मोबाइल का कीबोर्ड एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ऐटो प्रेडिक्शन वाला ऑप्शन होता है वो किसके बेसिस के ऊपर होता है कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस जो प्रीवियसली आपने जो भी कीवर्ड या स्टेटमेंट सेंटेंस टाइप किया होता है या फिल किया होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको नेक्स्ट सजेशन आता है इन द पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे ट्रैक किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली कॉन्फिगर किया जाता है एंड देन आपको क्या होता है सजेशन आते हैं ओके सिंपल की का एग्जाम्पल आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड या कोई भी स्मार्टफोन होगा उस सभी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती ओके okay? देन नेक्स्ट टाइप देखते इसके अंदर दैट इज एन सेशन कुकीज और ट्रांजेक्शन कुकीज ओके दीज कुकीज आर दोज कुकीज आर स्टोर इन अ कंप्यूटर मेमरी ओनली ड्यूरिंग अ यूजर ब्राउजिंग सेशन एंड आर ऑटोमेटिकली डिलीट फ्रॉम अ यूजर कंप्यूटर वेन वेब ब्राउजर इज क्लोज ये क्या है जैसा लाइक ए जो वेब ब्राउजर है ऑटोमेटिकली क्लोज होने वाला है अफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज

आई डी ओके दिस कुकीज़ आर यूजली स्टोर अ सेशन आई डी दैट इज नॉट परमानेंटली बाउंड टू अ यूजर अलाउिंग यूजर टू अ मूव फ्रॉम पेज टू पेज विदाउट हैविंग अ लॉग इन रिपीटेटिवली ओके एक एडवांटेज इसके अंदर हमें मिल रहा है is, जो रिपीटेटिव लॉग इन हमें करना पड़ता है इफ़ आप ट्राई कर सकते हो इफ आपने आपका वेब ब्राउजर का कुकीज ऑफ रखा होगा एंड देन आप पेज टू पेज जंप हो रहे चेंज कर रहे हो सो so, एक पेज के ऊपर आपने जी मेल लॉग इन किया दैन नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको गूगल ड्राइव ओपन कराए तो फिर से वहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए बोलने वाला है सो so, सिंपली आप क्या कर सकते हो ये आपका कुकीज ऑन होगा तो एक पेज के ऊपर आपने लॉग इन किया होगा एक वेब पेज के ऊपर एंड देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने गूगल जी मेल ओपन किया गूगल फोटोज ओपन किए या इन दें हर एक पेज के ऊपर अलग अलग, अलग चीज़ें ओपन किए तो वहाँ पर आपको रिपीटिवली लॉग इन करने की जरूरत नहीं सेम जो सेशन आईडी एक्टिव होगा आपके ब्राउजर के ऊपर उसके अकॉर्डिंगली वो वैल्यू पे ले के आएगा ओके देन नेक्स्ट देखते हैं कि देयर आर वाइड यूज ऑफ कमर्शियल वेबसाइट कमर्शियल वेबसाइट के अंदर हम क्या देखते हैं कि कमर्शियल ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट एग्जाम्पल हम सभी लोग करते सो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर क्या की जैसे कि एड टू कार्ड वाला ऑप्शन होगा या विश लिस्ट होगी कि जैसे कि मैंने लॉग इन किया लॉग इन करने के बाद स्पेसिफिकली दो तीन प्रोडक्ट मैंने मेरे विश लिस्ट के अंदर ऐड कर दिए एंड आफ्टर फिफ्टीन डे दिया एक महीने के बाद दिया जब भी मेरी सैलरी होगी स्पेसिफिकली हर किसी के पास की जैसा कि पैसा जब आएगा तब हम क्या करेंगे वो जो विश लिस्ट होगी उसको ऐड टू कार्ड करेंगे एंड उसको बाय करेंगे सो ये जो विश लिस्ट होगा इन देंस तब तक आप, आपका पीसी बंद करते हो कितने दिन के बाद आप उसको एक्टिव करते हो सो so, उस समय के जो आपका डेटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होने वाला है आपके सर्वर साइड के ऊपर ओके ये एक इसके अंदर है कि जो सेशन कुकीज़ होगा हमारा स्टोर ऑन अ सर्वर साइड नॉन यूअर नॉट यूअर मेम ओके तो ये सर्वर साइड के ऊपर स्टोर रहेगा ये आपके पीसी से डिलीट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा है आपका यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा एंड सेशन के ऊपर एक्टिव फॉर्म में रहने वाला है नेक्स्ट द सेशन कुकीज आर नेवर रिटर्न ऑन अ हार्ड ड्राइव दे डू नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर कंप्यूटर कि यूजर यूजर कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेता जैसे कि जो हमारा परमानेंट कुकी है हमारे यूजर की जो यूजर कंप्यूटर है उससे इन्फॉर्मेशन लेता है बट सेशन कुकी कोई भी इंफॉर्मेशन पेच नहीं करता वो खुद की इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या करता है सिक्योर रखता है और किसी को पास नहीं करता द सेशन कुकी एक्सपायर एंड ऑफ द ब्राउजर सेशन जब भी, भी हमारा ब्राउजर क्लोज हो गया एंड ऑफ द ब्राउजर जब भी हम ब्राउजर को क्लोज करेंगे उस समय हमारा यहाँ पे सेशन को कि क्लोज हो जाएगा एक्सपायर हो जाएगा देन नेक्स्ट दे आर बिकम अ नो लॉन्गर एक्सेसिबल आफ्टर द सेशन एज इनएक्टिव स्पेसिफिक स्पेसिफाइड ओके जैसे लाइक सेम स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अलग वे में जब सेशन इनएक्टिव होगा तब हम उसके अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेज नहीं कर सकते देन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेट इज द वेर कुकीज आर यूज ओके दो टाइप्स देखे हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन देखी कुकीज़ क्या है अभी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में हम कहाँ पर इसको यूज करते हैं कि वेयर वी आर यूज अकी कूकीज हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं एनी सजेशन कहाँ पे यूज कर सकते हैं तो कमिंग सेशन में बताओ जल्दी आपको पता होगा तो कि कहाँ पे हम कुकीज यूज करते हैं नेक्स्ट okay, स्टार्ट करते द रियल वर्ड कुकीज वेयर वी आर यूज ओके यूजफुल टू क्रिएट अ टेम्पराइजेशन द साइट इन अ समर रिमेम्बर द शॉर्ट टर्म वॉट द यूजर वॉज डूइंग है बिटवीन अ वेब पाइज वेब पेज रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल रिमेंबरिंग स्पेसिफिकली एक चीज हमें रिमेंबर करनी है बार बार करनी है उस चीज को हमें अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कुकीज क्रिएट कर सकते जैसे जो डेवलपर है वो कुकीज क्रिएट करता है जो जैसा कि like, उसके अंदर क्या हो सकता है हु द यूजर इज लॉग इन लॉगिन जस्ट लाइक लॉग इन करना है आपको बार बार यूजर नेम इंसर्ट करना है पासवर्ड इंसर्ट करना है तो टाइम कंज्यूमिंग तो प्रोसेस है वही कि हर हाँ रोज हम पी सी सेम पी सी के ऊपर बैठने वाले सेम पी सी के ऊपर सेम यूज़र नेम सेम पासवर्ड ये ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है तो so, उसको रिमेंबर करना फिर से टाइप करना तो उससे अच्छा हमारा कुकीज़ हमारे पास है तो कुकीज़ क्या करेगा इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा एंड देन नेक्स्ट टाइम जब हम ये आएँगे सिंपल क्लिक करेंगे तो so जो भी पासवर्ड या यूज़र नेम है ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड हम क्या करेंगे सिंपल लॉग इन करेंगे देन सेकेंड एग्जाम्पल है वॉट यूज़र वॉट ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट कि जो हमें रिमेंबर करना है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना था कि जैसा कि मैंने बीस लिस्ट में मेरे था कि कैमरा मैं खरीदना चाहता हूँ इन द सेंस या एक माइक्रोफोन या अच्छी क्वालिटी के लिए या बैक ग्राउंड के लिए ग्रीन ओके ग्रीन स्क्रीन वगैरह तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें रिमेंबर करना पड़ेगा क्या कि नेक्स्ट टाइम अच्छा ऑफर कौन सा प्रोडक्ट था या अच्छे प्राइस कहाँ पे थी तो ये सारी चीज़ें हमें रिमेंबर करने पड़ते बट यहाँ पे क्या करेंगे वाया विश लिस्ट या एड टू कार्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा उसके थ्रू क्या होगा ये सारी चीजें हमारे कुकीज के अंदर स्टोर हो जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमें नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा वो याद रखने की जरूरत तो तो नहीं डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं बाय कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पे ये कुकीज हमें हेल्पफुल है देन नेक्स्ट टू रिमेंबर लो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मोर परमानेंटली फॉर एग्जाम्पल टू रिमेंबर कि जैसे कौन सी की रिजर्ट प्रेफरेंस देन वॉट टॉपिक है यूजर लास्ट विजिटर ने क्या क्या इंफॉर्मेशन सर्च की थी वो इन्फॉर्मेशन हमें क्या करती है कि मिल सकते हैं वाई कुकी या जो भी लेस सिक्योर इंफॉर्मेशन होगी ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं इन कुकी टू कंपाइल द यूजर्स स्टैटिस्टिक यूजर स्टैटिस्टिक इन द सेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमें देनी ओके okay? तो किसके बेस के ऊपर हम एडवर्टाइज यहाँ पे देने वाले जैसलाइक ए स्टैटिस्टिक ऑफ एन यूजर की यूजर को क्या क्या चीजें पसंद है जैसे कि just like उसकी जो डेटा होगा उसके पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसके हम क्या कहेंगे एक स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे जैसाइक डेटा एनालिसिस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कहेंगे उसको नम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइज यहाँ पे पास ऑन करने वाले है देन नेक्स्ट उसके अंदर देखते दैट इज एन सेम कुकी का ही एग्जाम्पल है कि वेयर वी आर यूज कुछ टू आइडेंटिफाई द दूसर ड्यूरिंग अ ई कॉमर्स सेशन ये डायरेक्टली एग्जाम्पल इ कॉमर्सिंग सभी जगह पे हम कुकी यूज कर सकते हैं देन द अवॉइडिंग अवॉयडिंग अंग यूजर नेम एम पासवर्ड टू लॉक इन अ साइट जैसे कि हमने देखा कि वही चीज हमें बार बार करने से अच्छा हम क्या करेंगे यूजर नेम पासवर्ड को क्या करेंगे अवॉइड करेंगे किंग की हर बार की प्रेस करने से अच्छा डायरेक्टली उसको सेव होगा तो डायरेक्टली उसको लॉग इन कर सकते हैं देन कुकीज यूज टू ए डिफरेंट वेब एप्लीकेशन कौन कौन से वेब एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं कुछ टर्म है कि शॉपिंग कार्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन बैंकिंग जनरेटिंग अ विजिटर प्रोफाइल द पी बेस्ड सर्विसेज एंड वेबसाइट ट्रैकिंग ओके इतने डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं हमारा यहाँ पे कुकीज यूज कर सकते हैं ओके देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम अभी हमें पता चलेगा कि कुकीज क्या है कहाँ पे स्टोर होता है उसके टाइप्स क्या है देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा कुकीज कहाँ पे प्लेस होता है ओके है दिस इंस कहाँ पे स्टोर होता है तो बाय डिफॉल्ट द कुकीज आर स्टोर इन एच डी डी हार डिस्ट ड्राइव ऑफ अ यूजर लोकल मशीन यूजर लोकल मशीन का ये यूजर का जो लोकल मशीन होता है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर स्टोर होता है देन सेकेंड पॉइंट दैट इज द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कीप अ कुकीज इन डिफरेंट लोकेशन अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसका लोकेशन अलग हो सकता है जैसे कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर स्पेसिफिकली या जो भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स के नेम्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होगा

कुकीज प्रोग्रामिंग टिंग डिस ऐटोमेटिकली डाई जब तक डेवलपर ने डिजाइन किया होगा डेवलपर कि ने जैसे किसी टाइम पीरियड तक क्या क्या हो, होगा जो हमारा कुकीज है वो एक्टिव रहेगा अदरवाइज जो हमारा कुकीज है यहाँ पे डाई या एक्सपायर होने वाला है कि जब तक यूजर चाहे तभी वो कुकीज यहाँ पे रहने वाला है अदरवाइज कुकीज एक्सपायर होगा कि अकॉर्डिंग टू जैसा कि यूजर नेम पासवर्ड या लॉग लैंग्वेज प्रेफरेंसेज जो भी है कि उसके अकॉर्डिंगली कुकीज़ क्या होगा स्टोर होगा अदरवाइज वो क्या ऑटोमेटिकली डिलीट या एक्सपायर हो जाएगा कि जैसा कि जो भी डेवलपर ने प्रोग्राम की होगी उसके अकॉर्डिंगली देन नेक्स्ट इसके अंदर देख देखिए कुछ एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है हमारे कुकीज़ के अंदर और क्या क्या डिसएडवांटेज है ओके सिंपल दो टर्म्स है इसके अंदर ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है कि सिंपलेट टेक्निक्स टू मेंटेन स्टेट्स कि जो भी नंबर्स ऑफ स्टेट होंगे हमारे वेबसाइट के उसको मेंटेन करने के लिए कुकीज आर मेंटेन एट ए क्लाइंट साइड स्पेसिफिकली क्लाइंट साइड के ऊपर या क्लाइंट ब्राउजर के ऊपर हम बोल सकते हैं कि हमारा कुकीज यहाँ पे हमने स्टोर कर करके रखा next, okay, simple, है देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज ओके सिंपल दो ही डिसडवाटेज है ये हम सभी को पता होंगे तो फर्स्ट ऐसे इट इट विल नॉट वर्क इफ कुकीज आर डिसबल्ड ब्राउजर ये हमने ब्राउजर के सेटिंग के अंदर ये प्रैक्टिकल में आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से उसको डिसेबल किया जा सकता है सो so, जो हमारा ब्राउजर होगा उसके ऊपर हमने कुकी डिसेबल किया होगा सो so, हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा कुकीज यहाँ पे वर्क नहीं होने वाला तो so, सिंपल कि जब हमारा ब्राउजर उसको अनेबल करेगा तभी हम कुकीज के जो भी नंबर्स ऑफ फीचर्स है उसको यूज कर सकते कि जो भी नंबर्स ऑफ पीचर्स है कुकीज का उसको यूज कर सकते हैं देन द ओनली टेक्चुअल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टेट ऑन अ कुकीज़ ऑब्जेक्ट कुकीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं देट इज एन अ टेक्स फॉर्मेट कि जो भी ऑडियो वीडियो इमेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हम पास करते हैं तो वो डेटा हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते या उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैरी नहीं होता उसके अंदर सिर्फ जो टेक्चुअल फॉर्मेट में डेटा होता है वही डेटा यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं इफ आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग लिए कोई भी डाउट कोई भी सजेशन है कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए रेडी है इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एंड सिमिलर टाइप्स नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते एंड बेल आइकॉन को क्लिक कर सकते फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग